नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर हाजिर हैं नींबू से वशीकरण करने के तरीके। नींबू में तिल्ली गाड़ कर वशीकरण। दोस्तों, क्या आप भी नींबू से वशीकरण का तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप वशीकरण करना चाहते हैं किसी का भी? तो दोस्तों, इसके लिए आप चाहते हैं कि आप किसी की अपनी बात से परेशान हैं, आप किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और जानिए वशीकरण उपाय नींबू से करने के। तो दोस्तों, लेकिन मैं अभी इससे पहले बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, नींबू से किए जाने वाला काला जादू का टोटका काफ़ी प्रभावशाली होता है। इससे न केवल किसी विपरीत लिंग का व्यक्ति के दिल में प्रेम की जुनून की ज्योत जलाई जा सकती है, बल्कि उसमें यौन आकांक्षा भी जागृत की जा सकती हैं, अर्थात प्रेम संबंधों और यौन संबंधों में वृद्धि लाने के लिए नींबू का जादुई प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इस संबंध में यह अच्छा भाग्य बनाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी का प्यार हासिल नहीं कर पाया है, उसे कोई प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो वह उसे इसके ज़रिए सम्मोहित करने में सफल हो सकता है। नींबू का सरल तरीका से उपयोग कर किसी भी स्त्री या पुरुष का आसानी से वशीकरण किया जा सकता है, या कहें कि उसे सम्मोहित कर आपको नियंत्रित में रखा जा सकता है। इसके कुछ प्रयोग दोस्तों इस प्रकार से हैं। उसके बाद अपने मंदिर के पास ही किसी संस्थान स्थान पर आप जाएं और एक नींबू पर सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसका वशीकरण आप करना चाहते हो। सफ़ेद कागज पर भी उसी व्यक्ति का नाम हरी स्याही से 251 बार आपने लिखना है। और दोस्तों, कागज में नींबू को लपेट दें और निम्नलिखित मंत्र का 251 बार जाप करें। जाप पूरा होने पर कागज में लिपटे नींबू को बाहर निकालें, उसे काटें और उसका रस पी लें। मंत्र हम अपनी वीडियो को लास्ट में आपको बताएंगे। बचे हुए दूसरे को कागज के साथ नदी में आपने प्रभावित कर देना उस नींबू को। इस टोटके के पूरा होने के बाद 11 दिन तक प्रतिदिन सुबह मंत्र का जाप करते रहें। हर दिन का जाप 111 बार ही होना चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसका प्रभावशाली असर यह होगा कि आप किसी को भी अपने वश में कर पाओगे और वो भी बड़ी आसानी के साथ। दोस्तों, ये थे वशीकरण टोटके और ये रहा वशीकरण मंत्र जिसका आपने जाप करना है। इसे ध्यानपूर्वक आप किसी कागज के ऊपर उतार लेना है, इसी के सहायता से ये वशीकरण होने वाला है। तो दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और उपाय टोटके जानने के लिए, कोई और समस्या है अपने वीडियो में कुछ समझ नहीं आया जानने के लिए, आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।